नेक्स्ट टाइम में डिस्कशन करेगा डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट जो पार्ट था सर ठीक है इजी पार्ट है और अल्टरनेट ईयर रे डॉपलर इफेक्ट रो क्वेश्चन नीट मार्क्स इजी पार्ट है तो यदि मोर मार्क करो मु ठीक से डिराइव भी कर दू डेरिवेशन न करे भी चलो मु डिराइव कर दू फार्मूला मन रखि देले ठीक से तापर एग्जांपल देखियो आउ डॉपलर इफेक्ट ठीक डॉपलर इफेक्ट कहू छी कोन फर्स्ट पॉइंट सी करला इफ देयर इज मार्क करो इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन एन ऑब्जर्वर एंड सोर्स ऑफ समथिंग देन frequency heard will change doppler effect kono babo real life re doppler effect ro bahut situation ami dekho best example ota naba babo ame chidai ja ame lo observer ok ota pulsar re bike re bahut jor as to bike ro ota sound ho और से बाइकर आसिला आमको क्रॉस करके पड़े हॉर्न भी बजोस भाबी आ मैं बाइक रो साउंड नहीं भाबी तो से हॉर्न बजो से तो हॉर्न ता बजो छी साउंड रो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो साउंड रो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो छी सेटा चेंज है किंतु आमको ऑब्जर्वर को साउंड रो फ्रीक्वेंसी जोटा जणा पड़िबो सेटा चेंज है किम दिया से साउंड फर्स्ट तो बहुत बड़ी जीव तापर कमी जीव फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमको बढ़ी गला बड़ा लागबो तापर फ्रीक्वेंसी कमी गला बा उल्टा बा से हॉर्न मारछ किंतु चुपचाप छिड़ा है आमे तार को दौड़ी बा स्टार्ट कर ताल तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी बा स्टार्ट करबी फील हो छी कथा कोन कह तुम सी कहू छी जति गोटे ऑब्जर्वर आउट ए सोर्स ऑफ साउंड ताको भीतर रिलेटिव मोशन आसी बाइकर जति स्पीड रे जाउछी मु भी जति सेति स्पीड रे जी ताले मते फ्रीक्वेंसी चेंज हला वाला लागबो कारण आमो भीतर रिलेटिव वेलोसिटी नाही रिलेटिव वेलोसिटी पाठ तमरो मनो थे तो जेहेतु आमो भीतर रिलेटिव मोशन नाही से जति जोर जाउछी मु भी सेति जोर जाउछी ताले तमते साउंड रो फ्रीक्वेंसी सेम ही जणा पड़ो किंतु जदी रिलेटिव मोशन मोड को आसीला मु ताडो को बोले हम जणा एका संगे रे गल्लु किंतु वेलोसिटी अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन तो सेतो बोले फ्रीक्वेंसी चेंज हे जे जोटा हम सुनिबा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट था किंतु जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनिबो ताकू कुआ जाए अपरेंट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम जणा पड़िबो नि से चुप मु चुप से जते हॉर्न मारिबो ता फ्रीक्वेंसी साउंड रो फ्रीक्वेंसी जहा मते से आइ सुना किंतु जदि से मूव करबा स्टार्ट करला सोर्स ताले मते फ्रीक्वेंसी चेंज होला तो बढ़िबो कमीबो सेटा सिचुएशन वाइज देखियो ताले को फार्मूला अनुसार चेंज एकरा तो फेनोमेना तमे बुझु पर सेकंड आगो तो पहिले तमे फार्मूला मन होइ त कारण एटा पहिले फार्मूला बेस्ड पार्ट आगो तो तमे फार्मूला मन अपरेंट फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला हला v plus minus vo divided by v minus plus vs all into f बहुत इंपोर्टेंट बात है सुनो कोटा में कौन अब इधर कहीं की हेल्प भी मुझे प्रूफ कर दे अगर तो मेरा मोनर का कौन फॉर्मूला में ही क्वेश्चन डेरिवेशन नॉन मुझे भी चले f हेल्प पहले साउंड रो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी कांस्टेंट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आउ अपरेंट फ्रीक्वेंसी जोटा हमको सुनना चाहिए अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड टू द ऑब्जर्वर अपरेंट फ्रीक्वेंसी ठीक वीओ हला वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर जदि ऑब्जर्वर मूव कला जदि तलता वेलोसिटी वीओ हो और वीएस हला वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो तू समता बाहर उची ता वेलोसिटी ला वेलोसिटी ऑफ अब बहुत इंपोर्टेंट कथा कहि सुन अपर सिंबल गडा को यूज करा जाय जति टुवर्ड्स टाइप रो मोशन है लोअर सिंबल गडा को यूज करा जाय जति अवे टाइप रो मोशन है मु रेस्ट रे अछि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स तला अपर सिंबल यूज कर मु रेस्ट रे अछि सोर्स अवे पड़ेला तले लोअर सिंबल यूज कर
सोर्स रेस्ट रे अछि मु गल्ली तले टुवर्ड्स द सोर्स गल्ली तले ऑब्जर्वर गल्ला टुवर्ड्स तले प्लस आ मु दूरै की पड़ेले तले माइनस एटा बहुत बड़ा कथा ऊपर अछि प्लस माइनस तले अछि माइनस प्लस आ ए ऊपर सिंबल गडा को यूज करा जइबो जदी टुवर्ड्स टाइप रो मोशन हला और लोअर सिंबल गडा को यूज करा जइबो जदी आवे टाइप रो मोशन हला ए फार्मूला तो तमको मन रखे अछि आ टिके नीट लेबुल सेटा नाही एकडा सब आमे कवर करिचे विंड रो वेलोसिटी को नेगलेक्ट करो विंड वेलोसिटी को थामे भी चिंता करो तादर भी अलग फार्मूला आसो हमर दरकार आगर तो मेटा मन को जे अपरेंट फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला ला v प्लस माइनस vo बाय v माइनस प्लस vs होल इनटू f एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी और v का वेलोसिटी ऑफ साउंड इज तीनटा वेलोसिटी गोटे साउंड रो वेलोसिटी गोटे ऑब्जर्वर रो वेलोसिटी गोटे सोर्स रो वेलोसिटी ट्रेन हॉर्न मार की प्लेटफार्म पर पहुंच ट्रेन एला सोर्स हॉर्न मारला को साउंड वर्ड सेटा ला साउंड नीचे आ आमे सुनु छे आमे ने ऑब्जर्व ठीक अछि कथा तीनटा वेलोसिटी था v for velocity of sound v ओला वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर vs ला वेलोसिटी ऑफ द सोर्स आ इंपोर्टेंट कथा जणा मन रखिबो एटा प्लस माइनस एटा माइनस प्लस एटी अपर सिंबल गोडा को यूज करा जाय टुवर्ड्स टाइप मोशन पे लोअर सिंबल यूज करा जाय आवे टाइप ऑफ मोशन पे एग्जांपल मिलला पडो जणा तो इंपोर्ट क्वेश्चन इज काई गेला तबे प्रूफ करछि आपन ठीक से मार्क करियो ठीक देखो नोट आउट कर दियो फार्मूला आओ तो फर्स्ट हमें सिचुएशन एनालिसिस करें यार जे बाबा ऑब्जर्वर इज अ रेस्ट ऑब्जर्वर इज अ रेस्ट एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स बिहेवियर आवे बिहेवियर फर्स्ट सिचुएशन मु टुवर्ड्स बतो छ बाबा हम पकरे साउंड रो गोटे सोर्स छ या तो साउंड ठीक है हम ठीक क्या को इसी पार्ट ता देख देबो फर्स्ट हम देखि देबो सोर्स इज अ रेस्ट ऑब्जर्वर इज मूविंग सोर्स इज अ रेस्ट ऑब्जर्वर इज मूविंग एटा ओटे साउंड रा सोर्स अछि ये मूव कर लिए चुपचाप अछि किंतु याद जो साउंड टा बाहर हो जिता वेलोसिटी से तो मूव करतो साउंड तो रहबे साउंड तो मूव करतो आउ एठी गोटे लोकटा थिला जे कि पिले मूव करूची विद द वेलोसिटी वी ओ टुवर्ड्स द सोर्स सोर्स आर को मूव करूची सोर्स रेस्ट रे अछि सोर्स रो साउंड बाहर छि जार वेलोसिटी वी है गला आ ताकु जे सुनूची से सोर्स आर को वी ओ वेलोसिटी रे मूव करके आ ताले एठु बाहर को साउंड रो फ्रीक्वेंसी जदि एफ थिबो या कु फ्रीक्वेंसी क्या जणा पड़िबो नहीं फार्मूला अनुसार जदि हम फार्मूला देखिबा ताले फार्मूला अनुसार अपरेंट फ्रीक्वेंसी त कते जणा पड़िबो ना टुवर्ड्स अछि सोर्स तो रेस्ट रे अछि सोर्स रेस्ट रे थिले वी जीरो होइला ऑब्जर्वर टुवर्ड्स मूव को छि टुवर्ड्स मूव करे अपर सिंबल यूज करा जाय ताले फार्मूला सो वी प्लस वीओ बाय वी होल इनटू एफ मो कमरा बाबा हमें जो जिंसडा पढ़ दिले ता दरे हमरो ऑब्जर्वर टा रेस्ट रहि हमें फ्रीक्वेंसी टा सुन परे तो फर्स्ट हमें कौन करिया ऑब्जर्वर को रेस्ट रे रखे अपन चाहे ठीक है तले ऑब्जर्वर जदी रेस्ट रहि गला रिलेटिव मोशन पार्ट मन को जिंस उल्टी जीव तले यार वेलोसिटी वीओ लेफ्ट टा वीओ राइट है कि साउंड को मिलो ये तो साउंड को सुनियो ना चुप जदि रहिला तले ताकु कोन साउंड रो वेलोसिटी वी जणा पडियो तब तो साउंड रो ये भी चुप था ये भी चुप था तले ताकु साउंड रो वेलोसिटी वी जणा पडथा किंतु ये तो व्यू रे मूव करि आरंभ होला तले ताकु साउंड रो वेलोसिटी केते जणा पडियो ना भाई अपोजिट डायरेक्शन न आछले तले ताकु साउंड रो वेलोसिटी केते जणा पडियो वी प्लस वी तमा सरी होला ताले
relative velocity ऐसी वाला v plus frequency कहते हैं। हमें तो जानते हैं frequency का formula है v by lambda, sound का velocity divided by कोई भी, f is equal to v by lambda ये तो formula। अब जब तक ये observer move करे ना, wavelength change हुई, wavelength से आती है, sound का wavelength से आती है, कि तो sound का velocity जो था v थी ला, सेटा v ना है कि v plus सोला का था अपरेंट फ्रीक्वेंसी हमर दर पर छ v / लैम्डा और लैम्डा तो एक्चुअल वेवलेंथ है कर और लैम्डा का फार्मूला तो v / f तले लैम्डा जगह में लिख परी v + vo / v / f f का मान ऊपर है फार्मूला मान वा साउंड का वेवलेंथ आगुन जातला अभी विषय आथिबो आगुन साउंड का वेवलेंथ कते तले v / f लैम्डा लैम्डा वैल्यू v / f तो लैम्डा जगह में कितनी v / किंतु साउंडर वेलोसिटी अगुरु लोको को जदी रेस्ट थिला जदी वी जणा पडला जदी मूव करबा आरंभ करला तलो साउंडर वेलोसिटी को वी न जणा पड़ की वी प्लस वी हो लागि तो वी प्लस वी हो भाई लमडा को तो वी प्लस वी हो लमडा जरे वी बाय फॉर को आंसर आओ बाबो जदी ए लोकोटा आगे मूव करता न जदी ए लोकोटा आगे मूव करता न तो आगे मूव करले एटा उल्टा है वी माइनस वी हो ये खाता तो हमरो फार्मूला v - vo / v into f स्टैंडर्ड रूप में हमरो फार्मूला तो कैसे छ तो एटा अवे टाइप रो मोशन आला अवे टाइप रो सोर्स तो रेस्ट में अछि तो v एस जगह 0 लिखि देब अवे टाइप रो मोशन आला तो जदी से अवे गला तो v - vo / v into f से लोअर सिंबल यूज कर मतलब जे कांटेक्ट में क्लियर ठीक एबे से कहला जे एटा के बहुत बोलो कि मान कंफ्यूजन ऐसे तो फॉर्मूला मन रखी तो एटा टी बुझी दियो एटा टी क्रिटिकल है तो एबे से कोची ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एंड सोर्स इज मूविंग ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एंड सोर्स इज मूविंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एबे पिले ऑब्जर्वर रेस्ट पे अच भाबो जे सुनु जी ना से चुपचाप बैठी छ तो वी तो जीरो है और जो साउंड का सोर्स टा अछि सेटा वीएस है गला वेलोसिटी बाकी जो बाइकर जो जो हॉर्न बजे तो बाइकर रो स्पीड है गला वीएस असि जो हॉर्न बजे जो ता जो साउंड टा बाहर छ साउंड रो वेलोसिटी है गला मार्कोली वोट केटा छोटा कंफ्यूजन था को बहुत बड़ो की मार्को बहुत पिला भावंती लोक टा को साउंड रो वेलोसिटी वी प्लस वीएस लगियो भाई का मैकेनिक्स नो एटा वीएस सोर्स ऊपर साउंड टा थुआ हिं ठीक ना सोर्स साउंड को छाड़ देला साउंड तो इंडिपेंडेंट है सीधा पड़ेला सोर्स तरह अलग जाउ साउंड तरह पड़ेला सोर्स तरह अलग जाउ मैकेनिक्स रे कोन होतला बाबा गोटे बोट अछि बोट v1 रे जाउ छी ता ऊपर गोटे लोकोटे v2 स्पीड रे जाउ छी तला हम तो जणा पड़ला लोकोर वेलोसिटी v1 प्लस v2 भाई सेतो बेले बोट ऊपर लोको थिला इटा गोटे सोर्स ऊपर साउंड टा नाही साउंड इज अ वे एक्टियर एकला तो से मूव कर छ तो इंडिपेंडेंटली छ तो बहुत पिला को मुंडर था जे साउंड रो वेलोसिटी वी प्लस वी इज नाही लोकटा जेतु रेस्ट रे अछि ना साउंड रो वेलोसिटी सेम वी ही रहे अगर कोन होतो लोकटा मूव करतला बिली साउंड रो वेलोसिटी चेंज होतला वेवलेंथ सेम रहो एबे या ये तो जेतु रेस्ट रे अछि त साउंड रो एक्चुअल वेलोसिटी से सुनि कथा तो ठीक से बुझो अगुरु से जेतु मूव करतला त साउंड रो वेलोसिटी को अलग ना पड़ एबे तो से रेस्ट रे अछि त साउंड रो वेलोसिटी त से नहीं ना पड़ साउंड रो वेवलेंथ चेंज चेंज ठीक अछि कथा मन देखि सुनो वेवलेंथ का केन भी चेंज हो तो हम पके अपरेंट फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला ना कोना से अपरेंट फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला से गला भी साउंड रो से तो भी जणा पड़ लैम्डा न्यू नुवा वेवलेंथ का पता सेटी वेवलेंथ चेंज होनी एटी वेवलेंथ चेंज बहुत फॉलो के भाई वेवलेंथ कोन है मन पका वो जे तो स्टार्ट हो वेवलेंथ कोन है बाबो पूरे सिचुएशन ले पहुंचे तुम को अरे तो मैं ये लैंग्वेज का बुझियो ले पाठ बता रहा हूं जो दीटा पार्टिकल सेम फेज रे थांती ताको के सेपरेशन ताको वेवलेंथ को आ जाए एटा और एटा सेपरेशन एंगल हो गया एटा और एटा सेपरेशन एंगल हो गया इंपॉर्टेंट बात है सुनो एटा आउ एटा भीतर की सेपरेशन टा वेवलेंथ तकु के अलग लैंग्वेज रे बुझो
ভাই এটা নয় ওয়েব না পুরোনা ওয়েব, পুরোনা ওয়েব কারণ ওয়েব পড়ালে বলে কইছিল যে তৈরি হইতে না সে আগড়ে পড়ায়, তো এটা পুরোনা ওয়েব, ওটা পুরোনা ওয়েব আউটে নয় ওয়েব ভিতরে সেপারেশনটা কি কি ওয়েবলেন্থ কয়, ওটা পুরোনা ওয়েব আউটে নয় ওয়েব ভিতরে সেপারেশন ইয়ে তো তৈরি হইছে কি এবে তৈরি হউছি তো তাঙ্কো ভিতরে সেপারেশন কি ওয়েবলেন্থ কয় বাস মুন্ডা রাখিব এই যে ডপলার ইফেক্ট জিনিস এটা না এটা ট্রান্সভার্স ওয়েব রে হই এটা সাউন্ড ওয়েব রে হইতা লাইট ওয়েব রে হইতা लाइट वेव रे कोन हिता सेटा हमें वेव ऑप्टिक्स रे देखबा एटा हमें साउंड वेव जे तुम साउंड वेव रे जे तुम बुझौ छी तुम मु क्रेस्ट ट्रॉल हेल्प ने बिनि पटिके बुझा पाछ छी भाग हम पाके पे एउटा सोर्स अछि ऑथोरिटी को बतौ छी हम पाके एउटा सोर्स अछि जार वेलोसिटी गेला वी एस असि आज एउटा फटाक्स वेव तयार कर साउंड वेव तयार कर तार वेलोसिटी वी और साउंड वेव आगु बुझौ छी तले जे तयार गेला से आगु पड़ তাহলে টি টাইম পিরিয়ড কমপ্লিট টাইম পিরিয়ড পরে কমপ্লিট টাইম পিরিয়ড পরে যে ওয়েবটা তৈরি হইছিলা সেটা আসলে এটি কোন দিন আর সেই টাইম পিরিয়ড পরে সোর্স কি তো কিছু বড় আগু পড়ে আছে আর টি টাইম পরে নুয়া ওয়েবটা তৈরি হবে তখন সোর্স এটি পৌঁছিব আর ওটা নুয়া ওয়েব ভি তৈরি করে খুব ভালো কি মার করে কথাটা কোন কই ফার্স্ট সোর্স এটি দিলা আর ওয়েব তৈরি করতে ठीक और जो वेबटा तैयारी कर देला से तो मूव करला और सोर्स भी मूव करला साउंड रो वेलोसिटी सोर्स थारु बेसी नै छै काहे कि नै छै तब मूव छै तले साउंड गोटे कंप्लीट टाइम पीरियड रो कंप्लीट साइकिल रे टी टाइम रे किछ बाट पड़े आसी और ये तो या ऊपर बसी के आसी ना ये इंडिपेंडेंटली जाउ छै सोर्स में इंडिपेंडेंटली जाउ छै तले सोर्स ठीक टी टाइम पर आसी के टी पहुंच जेती अब ठीक टी टाइम पर कंप्लीट साइकिल पर से नुवा वेबटा तैयारी कर তাহলে এ পুরোনা ওয়েব আউ এ নুয়া ওয়েব ভিতরে সেপারেশন টা তো তুমি প্রবলেম বলি পারো এবার ডেফিনিশন কই তুমি বুঝি আপনি চেষ্টা কর সাউন্ড অফ ভেলোসিটি লা ভি টি টাইম পর সে কত বাট যাই দিব 50 সোর্স অফ ভেলোসিটি ভি এস টি টাইম পর কত বাট যাই দিব ভি এস টি তাহলে পুরোনা ওয়েব আর নুয়া ওয়েব ভিতর সেপারেশনটা কত হইতো সেটা হইতো ওয়েবলেংথ তাহলে ওয়েবলেংথ ল্যামডার ভ্যালু হবো 50 মাইনাস ভিএসটি আর টি কমন নিয়ে গেলে ভি মাইনাস এস এর হচ্ছে কথা তাহলে ফ্রিকোয়েন্সির ফর্মুলা কম অ্যাপারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সির ফর্মুলা লাগলে ভি বাই ল্যামডা সাউন্ডের ভেলোসিটি তো চেঞ্জ হয়নি কারণ লোকাল রেস্ট হচ্ছে ডিভাইডেড বাই নুয়া ওয়েবলেংথ যেটা কি বার হচ্ছে t into v minus s अब 1 by t तो पहले फ्रीक्वेंसी है इधर तो वहाँ पर एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ला v by v minus v s all into f जो तभी कर रहा है फॉर्मूला इस अवरे ऑब्जर्वर तो पहले रेस्ट रहा चीज़ तो d o zero ही गला सोर्स इज़ मूविंग टुवर्ड्स और जितने टुवर्ड्स ही था है अपर सिंबल यूज़ करा है अब डिनोमिनेटर अपर सिंबल पहले माइनस हो ची ফর্মুলা দেখো v by v minus vs into f अब ভাবো এটা আউয়ে যাই থাকে তাহলে vs তো সেপড়ে যাই থাকে কিন্তু v তো এড়ু কো আসতাম না সাউন্ডটা তো এড়ু কো আসতাম সোর্স এড়ে যাই থাকে তাহলে সেটা v plus vs হয়ে যায় আউয়ে পাই তো লোয়ার সিম্বল তো v plus vs হয়ে গেল এটা তোমকু ডপলার ইফেক্ট বুঝে দিলাম আর ইয়াকু আমি দুইটা বেসিক সিচুয়েশন দিছি অবজারভার রেস্ট রে আছে সোর্স মুভ করছে सोर्स रेस्ट रहे ऑब्जर्वर मूव कर और ये बहुत क्रिटिकल क्रिटिकल सिचुएशन आसी सोर्स रेस्ट भी मूव कर दो ऑब्जर्वर भी मूव कर दो अलग अलग लाइन रे मूव कर दो से बस सिचुएशन आसी वो जो डाटा की मूव एबे डिस्कशन को ने भी नेक्स्ट सिचुएशन सब कौन पॉसिबल है अदरवाइज फार्मूला अपर स्ट्रेस दियो अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फार्मूला है वी प्लस माइनस वी ओ बाय वी माइनस प्लस वी एस इनटू एफ अपर सिंबल गुड़ा को टुवर्ड्स पाई लोअर सिंबल गुड़ा को आउट पाई यूज हो रहा है तो तुम ये चाहेंगे ठीक है टाइम भी लेके